कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की जयंती उल्लासनगर में बड़े धूमधाम से मनाई गई। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी की जयंती उत्सव हर साल की तरह इस साल भी उल्लासनगर शहर में शिवसेना शहर शाखे के माध्यम से शिवसेना शाखाओं के माध्यम से कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम मना रहे हैं। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी की जयंती और धर्मवीर आनंदीगे साहब इनकी जयंती 23 से 27 हम शिवसेना शहर शाखे के माध्यम से भगवा सप्ताह मनाते हैं। इस भगवा सप्ताह में हर विभाग में हर शहर में हर विभाग में हर शाखा से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के जयंती उत्सव पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जोश और उल्लास से सभी कार्यक्रम पूरे उल्लासनगर में जोर शोर से चालू है। बाला साहब बोला हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे माना एक आवाज़ था, एक वचन, एक नेता पूरे देश में, महाराष्ट्र में पूरे देश में एक वचन, एक नेता और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे एक ही ऐसे इंसान थे राजनीति में कि जो शब्द दिया या शब्द बोला आज तक उन्होंने कभी भी रिटर्न नहीं लिया, ऐसी उनकी मान्यता। और हम शिवसैनिकों के लिए तो उनका सिर्फ बाला साहब एक नाम ही काफ़ी रहता है कि हमें खुद को स्फूर्त आने के लिए, जोश आने के लिए एक बाला साहब का नाम ही काफ़ी है शिवसैनिक के लिए। आज इनकी जगहों पर जो है शहर में इस कार्यक्रम को मनाया, पूरे महाराष्ट्र में है जहाँ जहाँ शिवसैनिक की शाखाएँ हैं, जहाँ जहाँ शिवसैनिक रहते हैं वहाँ शाखा नहीं है तो वो अपने घर में करते हैं। बहुत ही उल्लास के साथ में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। बाला साहब के जो जुड़ेले थे तो मैं पहला ही जैसा बोला कि उनके सिर्फ नाम से ही हम लोग को स्फूर्ति आती है। अगर हम लोग एक शिवसैनिक ऐसा कुछ बीमारी में भी पड़ेला रहेगा और बाला साहब का सिर्फ नाम लेगा तो उठ के खड़ा हो जाता है, उतनी वो बात में ही पावर्स है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।